कैथल के उपमंडल कलायत में मजदूरों द्वारा बिजली कर्मचारियों से तंग आकर महामहिम राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की अनुमति मांगने का बेहद गंभीर मामला उजागर हुआ है। महामहिम को पत्र के माध्यम से तंग करने वाले कर्मचारियों की कार्यप्रणाली से अवगत करवाने का फैसला लिया गया है। प्रभावितों की मांग है कि आरोपी बिजली कर्मचारियों को बर्खास्त किया जाए, अन्यथा उन्हें इच्छा मृत्यु की अनुमति दी जाए। न्यू न्यूज़ फॉर यू के लिए सिरसा से डॉक्टर गुलाब सिंह के साथ कैथल से नवीन मल्होत्रा की रिपोर्ट। जी, ये बिजली वाले हैं जो बार बार छापे लगाते हैं। पहले भी हमारा छापा लगा हुआ है, 10-15 हज़ार पहले आया था, तो अब भी बताते हैं कि 50 हज़ार रुपए के करीब आएंगे। तो हम मजदूरी करें या बिजली वालों को दें पैसे, ना मजदूरी मिलती है, आधियान काम धंधा नहीं मिलता है। सवेरा आवा है जी और वो बैठे सुते और गदड़ दे अंदर बढ़ जे है, बता के मत बला न्यू किस किस नाम है, कहाँ सवेरे 5 बजे 4 बजे आवा है, और भीतर बहु बेटी सुती थी बाज के अंदर बढ़ गए, के मत बला यू अंदर बढ़ने का। सारी है, सुबह आते हैं, बच्चे भी तकलीफ में आते हैं, बच्चे सोए होते हैं, और ये जो कर्मचारी आते हैं ना, ये नहीं आवाज़ भी नहीं लगाते हैं। हम मजदूर हैं, हम घर से निकल जाते हैं, और महिलाएं तंग होती हैं, बच्चे तंग होते हैं, और ये बाद में तंग करते हैं, और कई बार तो सुबह 4 बजे या 5 बजे आते हैं। हम अपना पेट पाले या बच्चों का पाले, इसमें बहुत ज़्यादा परेशान। कभी महीने में या 15-20 दिन में ऐसे करता रहता है, वो गरीब वर्ग पर ही छापे मारता है, तो बड़े घरों में कभी नहीं छापे मारे जाते, ज़्यादातर पैमाने पर चोरी करते हैं बिजली की, उनके घर पे कभी छापे नहीं मारे जाते। जो मजदूर वर्ग है या किसान वर्ग है, उनके घरों पे हम मजदूरी करते हैं, हम मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट भरे या ऐसे लोगों को का पेट भरे। उसकी ये कुछ पैसे मांग रहे हैं।